ताज़ा होले विद रिया में स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज की कहानी है अमित कले की। जी हाँ, हम कहते हैं कि कई लोगों की किस्मत भी अच्छी होती है और कई लोग मेहनत भी करते हैं। आज हम अमित कले की कहानी सुना रहे हैं और इनकी कहानी अनोखी भी है। आपको बता दें कि UPSC का ख्याल तो कई लोगों के मन में आता है और उसकी तैयारी करना शुरू भी कर देते हैं, तो इनकी जो कहानी है वो ऐसी है कि हर बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम ये पास कर जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि आगे एग्ज़ाम में ये पास भी नहीं कर पाते थे। लेकिन एक चीज़ होती है, हम एक बार किसी चीज़ को करते हैं, अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं, फिर शायद ही दूसरा प्रयास देते हैं। दूसरा प्रयास दें और दूसरे प्रयास में सफल हो जाएं और उसके बाद जो फेज़ आता है कि नहीं, अब तीसरे बार में तो हम नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर असफलता हमें 2-3 बार लगातार मिल जाती है तो हम पीछे हट जाते हैं उस चीज़ से। लेकिन अमित कले ने कंसिस्टेंसी बना के रखी। वो हर बार प्रीलिम्स में पास होते थे, हर बार मेंस में डिस्क्वालीफाई, लेकिन वो तैयारी करते रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि UPSC की परीक्षा दी और 2014 में पहली बार उन्होंने परीक्षा दी थी और पास कर गए थे, लेकिन फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाए। दूसरे प्रयास में फिर परीक्षा दी, फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सफलता मिली, फिर फाइनल राउंड तक नहीं पहुंच पाए। तीसरे प्रयास में भी सफलता मिली, लेकिन फिर उनके साथ यही हुआ, रैंक अच्छा नहीं हुआ और वो आगे नहीं फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो पाए, तो फिर उनके साथ यही सब कुछ हुआ। लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से तैयार थे। चौथे प्रयास में उन्होंने अपनी रणनीति से UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। जी हाँ, उनका कहना है कि मैंने उन गलतियों को नहीं दोहराया जिन को मैंने बाकी 3 अटेम्प्ट में दोहराए थे, क्योंकि थर्ड में मैं भले ही पास हो गया था लेकिन मेरे रैंक उतने अच्छे नहीं थे। चौथी बार में भी उन्हें बहुत अच्छे रैंक तो नहीं मिली, लेकिन स्टिल इस बार वो एटलीस्ट इतना रैंक तो ला पाए जितने रैंक में वो प्राउडली कह सकते हैं, वो जितनी उनकी चाहत होती है। वैसे UPSC क्वालिफाई करना ही बड़ी बात होती है, लेकिन इनके मन में था कि मैं कुछ अच्छा रैंक लाऊं। तो फिर इन्होंने परीक्षा दी 2018 में इन्होंने 212 रैंक हासिल किया और इस प्रकार से UPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। कंसिस्टेंसी बनाए रखी, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखती है। तो वो उन्होंने उम्मीदवार को अपनी ताकत बनाई है, बताया है कि कमजोरी और क्षमताओं के बारे में पता होना चाहिए और इसी के अनुसार तैयारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को देखकर तैयारी नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि हर कोई अलग होता है। कुछ लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं सेकंड अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो सबका अलग अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है, उस हिसाब से लोगों की तैयारी करनी चाहिए। तो फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। शुक्रिया आपका।